आज टाटा आईपीएल 2022 का 32वां मैच ब्रेबोन स्टेडियम में दिल्ली व पंजाब किंग्स के बीच होगा। दोनों अभी तक बहुत बढ़िया नहीं खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 4 अंकों के साथ 8वें पायदान पर है तो पंजाब 6 अंकों के साथ 7वें पायदान पर है। मिचेल मार्श न खेलें ऐसा मुमकिन है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। उनकी गैरहाजिरी में टीम सेफर्ट व नोरकिया को मौका मिल सकता है। दिल्ली का मजबूत पक्ष डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह की सलामी जोड़ी है। खुद कप्तान पंत अभी बहुत बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने 17 गेंद में 34 रन बनाए थे आरसीबी के खिलाफ। अभी तक वो 144 रन ही बना सके हैं। दिल्ली का कमज़ोर मिडिल ऑर्डर है जिस पर दिल्ली को खास ध्यान देना होगा। कुलदीप यादव ने पिछले केकेआर के मुकाबले में 4 विकेट लिया था और मैन ऑफ द मैच हुए थे। कुलदीप के साथ शार्दुल ठाकुर व खलील को बॉलिंग पर खास ध्यान देना है। इसके बॉलरों को अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। पिछले मुकाबले में आरसीबी से 16 रन से हार के मुकाबले को भूलकर आगे बढ़ना होगा। पंजाब किंग्स के पावर प्ले में 9.81 रन रेट से रन बना रहे हैं लेकिन अपने खेल को जीत में नहीं बदल पा रहे हैं। पंजाब के कप्तान खुद तो उतनी बढ़िया बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अभी तक एक हाफ सेंचुरी ही लगा पाए हैं। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है, लिविंगस्टोन शाहरुख खान पर निर्भर। लिविंगस्टोन अभी तक 224 रन बना चुके हैं। बॉलिंग में रबाड़ा को अहम जिम्मेदारी निभानी है, साथ में ओडियन स्मिथ भी है। पिछले मुकाबले में ओडियन ने 4 विकेट 1 कैच व 1 रन आउट से अपनी टीम को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरफराज खान भी अभी मौके के इंतज़ार में है, देखना है कि इस मुकाबले में उनको जगह मिलती है या अभी बेंच पर ही बैठना है। आज के मुकाबले में कौन जीतता है वही आगे बढ़ेगा, वरना आगे का रास्ता समाप्त होगा। अब टाटा आईपीएल रोचक दौर में पहुंच चुका है।